जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन बल्लवा गिरीवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा मन चारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लवा गिरीवर धारी यशोदानंद ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा मनुचारियम जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य स्तोत्र सचरी श्रमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद
परमहंस परिव्राजकचार्यो तत्सच श्रमशला भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विविटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। यमुना मई गंगमयी की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जय जयकार सब भक्तों की जय जयकार गुरु और गौरांग की जय जयकार है। नमो विष्णु ओम अज्ञानातिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामायं ददाति स्वावतान्ति। वंदेहम श्री गुरु श्री युतपद कमलम श्री गुरुम वैष्णवाम च श्री रूपम सागर जातम सागना रघुनाथम वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम राधा कृष्णापादान साहगना ललिता श्री विशाखा विशाखा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सुते देवी प्रणमामि श्री प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। सारे बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पदाय भूतले श्रीमद भक्ति विधान स्वामी के नाम में नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार में
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, इंटरनेट में सुनने वाले भाइयों बहनों माताओं बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका पुरुषोत्तम मास की दूसरे दिन की कथा में स्वागत है, अभिनंदन है। तो आओ पहले राम जी के शुद्ध भक्त जो हैं उनका नाम ले लें, उनकी कृपा से फिर आगे बढ़े। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी, वरनो रघुबर विमल जश यो दायक फल जान। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दयो मोहे हर हो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सा, जय कपीश ते लोक राम दूत अतुलित बलगा, अंजनी पुत्र पवन सुतन महावीर विक्रम बजर, कुमति निवार सुमति के कंचन बरन विराज सुवेश, कानन कुंडल कुंचित के हार बज्र और ध्वजा वीर, कांधे मोज जने शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवन विद्यावान गुणी अति जान, राम काज करे वे प्रभु चरित सुनी वे कोरसी, राम लखन सीता मन बस सुक्ष्म गुरु सी दिखा, विष्णु रूप धरि लंक जरा, भीम रूप धरि असर संहार, रामचंद्र के काज सम दायस जीवन लखन दिया, श्री रघुवीर हर शेर रघुपति की नी बहुत, तुम मम प्रिय बरसम सहस बदन तुम रोजस काम, अस कही श्रीपद हंस लगा सुधिक ब्रह्मा यम कुबेर अधिक पार जान्त, कवि कोविद कहीं तुम उपकार सुग्रीव की, राम मिलाए राज पद दी तुमरो मंत्र भविष्यन माना, लंकेश्वर भय तब जग युग सहसर जो जन परवानु, फल जान प्रभु मुद्रिका मेल सुकमा, जल जलांग गे अचल जिना, दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुमरे थी, राम द्वारे तुम रखवा न आज्ञा बिनु पै, सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहे को आपन तेज संवारो, तीनों लोक हांकते भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब नाम
नासे रोग हरे सब पीरा निरंतर हनुमत संकट से हनुमान चुरावे मन क्रम भजन ध्यान सफर राम तपस्वी राजा काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुनी कंदन राम अष्ट सिद्धि नव निधि के असफल दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रघो रघुपत के दाता तुमर भजन राम को जन्म जन्म के दुख विसर अंत काल रघुबुर पर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त और देवता चितना धरिए हनुमत से सर्व सुख कर संकट कटे मिटे सब जो समरे हनुमत जय 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 हनुमान कृपा करो गुरुदेव जो सत बार पाठ करे जो झूठे बंदी महासुख जो जय पढ़े हनुमान चालीसा दिशा की गौरी तुलसीदास सदा हरि के कीजे नाथ हृदय मम पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसो सियाम रामचंद्र की राधावर कृष्ण चंद्र की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई प्रभुपाद की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब भक्तन की जय आओ हनुमान जी की कृपा से उनके आराध्य ठाकुर राम जी के चरणों में थोड़ी प्रार्थना करें। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भव दारुणम नव कंठ लोच कंठ मुख कंठ पद कंठ कंदरप अग्नि अमित शवि नीरनी सुंदरम पट पीत मानह तरत रुचि नौमी जनक सुताम भजुदीन रुदनेश दान दत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद चंद दश नंद सिर मुकट कुंड कचारु उदा अंग विभूष आजानु शर चाप संग्राम हित खर अति बदति तुम दास शेष मुनिम रंजनम मम दया कं
जीवाश कामानि घन घन बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो सीता माता की, बोल लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की, बोलो हनुमान जी की, बोलो रामचंद्र भगवान की। बड़े प्रेम से बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघवि राजा राम, पतिता पावन सीता राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम। तो राम कथा जो हो रही थी, कल प्रसंग आपको नारद जी का सुनाया था कि नारद जी पिछले जन्म में कौन थे। एक दासी पुत्र थे और संतों के संग से बड़े महान वैष्णव बने। जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं, ध्रुव प्रहलाद आदि, सब नारद जी के शिष्य। देखो हॉबी, अंग्रेजी में कहते हैं हॉबी, किसी की कुछ हॉबी है, किसी की कुछ हॉबी है। नारद जी की हॉबी क्या है? नारद जी की हॉबी है आत्मा को बचाना, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। नारद जी की कृपा से हम सबको भी अपनी हॉबी यही बनानी पड़ेगी, उसी में कल्याण है, यही भगवान को प्रिय है। दासी पुत्र थे और संतों का संग मिला, बड़े परिवार में उनकी माता काम करती थी। चतुर्मास में संत आ गए और संतों ने वहाँ पर 4 महीने वास किया। नारद जी को सत्संग मिला बचपन में, इसलिए हमारा जो कल्चर है, बचपन से बच्चे को अच्छे संस्कार दिए जाते थे। आजकल पहले तो बच्चे लस्ट से, विषय वासनाओं से पैदा हो रहे हैं। पहले बच्चे पैदा होते थे संस्कार से, गर्भदान संस्कार होता था, वो खत्म हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा से पुनः उसको वापस लाना है, प्रयास करना है। अगर बचना है और बचाना है तो पुनः संस्कारों को वापस लाना है। तो नारद जी 9 साल के थे जब उनको संतों का संग मिला। चतुर्मास में संत आए, नारद जी 9 वर्ष के थे, उनकी वहीं सेवा लगी। संत जब प्रसाद पा लेते, उनकी जूठ जो बच जाती पतलों में, नारद जी उनको पूछकर इन्हें ले लो, कहते ले लो। संतों का प्रसाद खाने से कितना मंगल होता। संत प्रसाद, वैसे तो प्रसाद भगवान का होता है, भगवान का प्रसाद जब संत स्वीकार करते हैं। हमारी संस्था में प्रभुपाद भी तो प्रसाद ही पाते थे। उनका जो प्रसाद होता था उनको हम कहते थे सुपर महा, भगवान का प्रसाद महाप्रसाद, लेकिन जो महाप्रसाद संतों ने पाया वो सुपर महा होता था। उसको हम सब लड़ झगड़ करके पाते थे, जितने जिसको जितना भी मिल गया। हमें भी मौका मिला उनके प्रसाद का, बड़ी कृपा रही। तो नारद जी जो हैं संत प्रसाद पाते रहे। 4 मास के बाद जब संत जाने लगे तो नारद जी कहते मैं भी साथ चलूँगा। कहते नहीं बेटा, तेरी माता का तू इकलौता बेटा है,
उसकी तेरे में ममता भी बड़ी है। अगर तू चला जाएगा तो तेरी माँ का कोई और है भी नहीं, तू माँ की सेवा कर। संतों का आशीर्वाद मिल गया, हुआ क्या, माँ भी सर्प के काटने से गौलोक धाम को चली गई, वैकुंठ गमन किया। अभी जो मोह था नारद जी का वो भी खत्म हो गया, निकल पड़े और भगवान के दर्शन हुए जंगल में, फिर अदृश्य हो गए भगवान। अभी फिर प्रयास किया कि नहीं और एक जन्म और लेना पड़ेगा। अगला जन्म क्या होगा? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। मानस पुत्र क्या है? किसी मांग के घर में नहीं आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने सोचा सृष्टि का, तो नारद जी प्रकट हुए। चार कुमार भी ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, सनक सनंदन संत और सनातन। संत सनंदन सनातन और संत, चार कुमार, ये भी मानसिक पुत्र हुए ब्रह्मा जी के। बस इनका फिर यही काम रहा, सब संतों का आशीर्वाद है, सत्संग की कामना करो, संतों का संग करो, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करो। अभी वाल्मीकि जी का वर्णन आ रहा है आज के प्रसंग में। एक और देवऋषि नारद जी महाराज एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे। एक महान भाव ने उन्हें कहा, इस रास्ते से नहीं जाना, इस रास्ते में रत्नाकर नाम का एक भयानक डाकू रहता है, वह पहले लोगों को लूटता है और फिर मार देता है। तो नारद जी देखो कैसे संत कैसे होते हैं, बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। आओ प्रेरणा से नारद जी का थोड़ा नाम ले लें, सब बड़े प्रेम से बोलना, भक्तों का नाम लेने से भक्ति मिलती है। जय नारद जी महाराज, जय नारद जी महाराज, जय देव ऋषि नारद, जय देव ऋषि नारद, महाभागवत नारद, महाभागवत नारद, महाभागवत नारद, दया करो कृपा करो नारद जी महाराज, दया करो कृपा नारद, जय नारद जी महाराज, जय नारद जी महाराज, बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। प्रिय बंधुओ, जब लोगों ने कहा मत जाओ उधर, इधर रत्नाकर नाम का भयानक डाकू रहता है, लोगों को मारता है लूटता है, महाराज नारद जी देव ऋषि नारद जी महाराज क्या सोचने लगे, कहते हैं इन गांव के लोगों का उद्धार तो कोई भी कर देगा, लेकिन इस महापापी का उद्धार कौन करेगा। चाहो भक्त कैसे होते हैं, भक्त भक्तों का जीवन ही धन्य है, जो भक्त नहीं है वो बेकार है, उनका जीवन धिक्कार है, उनका जीवन व्यर्थ में है। वो जिंदा ही मरे हुए हैं जो भक्त नहीं है, उनको डेड बॉडी का चेतन चलता हूं उसमें। तो नारद जी सोचने लगे इसका मैं उद्धार करूंगा। जय हो, जब संत किसी का उद्धार का सोचते हैं, चाहे वो कितना भी पतित क्यों ना हो, उसका उद्धार हो जाता है। नारद जी चल पड़े उसी तरफ। तो नारद जी क्या गा रहे थे, भज मन नारायण नारायण, भज मन नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण,
क्या हंसना क्या रोना पगले होगा वही जो होना। क्या हंसना क्या रोना पगले होगा वही जो होना। भज मन नारायण नारा भज मन नारद जी महाराज कुछ शिक्षा दे रहे हैं बड़ी अच्छी। कुटुंब कबीला बेटा बेटी कुटुंब कबीला बेटा बेटी सब अपने कर्मों की खेती सब अपने कर्मों की खेती मीठा फल कर जग में प्राणी मीठा फल कर जग में प्राणी बीज न कड़वा बोना बीज न कड़वा बोना पगले होगा वही जो पगले भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण पाप कमा कर धन को जोड़ा पाप कमा कर धन को जोड़ा मैं का अभिमान न छोड़ा मैं का अभिमान न छोड़ा मन को एक बार नहीं धोया मन को एक बार नहीं धोया तन का फिर क्या धोना तन का फिर क्या धोना पगले होगा वही जो होना पगले होगा वही जो होना भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण खूंटी नल का हार निकल गई खूंटी नल का हरिश्चंद्र की प्रभुता मिट गई हरिश्चंद्र की प्रभुता मिट गई खेल विधि का बड़ा अनोखा खेल विधि का बड़ा अनोखा मानुष बना खिलौना मानुष बना खिलौना पगले होगा वही जो होना पगले होगा वही जो होना भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण जय 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 नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अति दयालु परम कृपालु देव ऋषि जी महाराज उसी ओर चल पड़े जिस ओर वो भयंकर रत्नाकर डाकू था। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, ये कीर्तन करते हुए नारद जी जा रहे थे। देखो नारायण नारी सदा भगवान का नाम लेते हैं, हर समय भगवान को भजते हैं। कोई समय ऐसा नहीं होता जब वो भगवान को भूलते हैं। अपने मन को भी यही कह रहे हैं और हम मूर्खों के लिए भी शिक्षा दे रहे हैं। कुटुंब कबीला बेटा बेटी सब अपने कर्मों की खेती। अगर तेरे बेटा बेटी ठीक नहीं है ये तेरे कर्मों की खेती है भाई। तूने जैसे कर्म किए ऐसे बच्चे तेरे को मिले हैं। तो तुम भगवान का भजन कर। कुटुंब कबीला बेटा बेटी सब अपने कर्मों की खेती। मीठा फल कर जग में प्राणी बीज न कड़वा बूना पगले होगा वही जो। अगर वहाँ कोई अच्छा कार्य हो रहा है बीच में गड़बड़ नहीं करना। हमारा जो बद्ध जीव है ना गड़बड़ कर देंगे, रेख में मेक मार देंगे, दूध में पानी मिला देंगे, गड़बड़ करेंगे। ये हमारा स्वभाव है। लेकिन ऐसा मत कर भाई, तू भगवान का भजन। पाप कमा कर धन को जोड़ा, पाप कर्म किए पैसा इकट्ठा करने के लिए। ओम जय चिट्टे नोट हरे स्वामी, जय चिट्टे नोट हरे भक्त जनों के संकट यही नोट दूर करे। ओम जय चिट्टे नोट हरे, चिट्टे सफेद नोट कोरे कोरे नोट। मुझे एक बात छोटी सी याद आई। जम्मू में हमें घर में सत्संग कर रहे थे, एक माता अपने बच्चे को लेके आई, खड़ा हो सस प्रसाद नहीं ले रहा। मैंने कहा क्या कह रहा है, प्रसाद क्यों नहीं लेता। माता हंसे, बताओ क्या बात है। बार बार पूछने उसने कहा ये कहता है स्वामी जी के पास वो जो नोट पड़े हैं ना उनमें से दो करारे करारे नोट अगर मेरे को देंगे तब प्रसाद लूंगा। छोटा सा बच्चा कि नोट पड़े हैं दो मेरे को देंगे तब लूंगा प्रसाद, नहीं तो नहीं लूंगा। देखो बच्चों का भी ध्यान क्या होगा, जिस विचारों से बच्चे पैदा होते हैं बच्चों के भी माँ बाप का ध्यान नोटों में है, बच्चों का भी ध्यान उधर ही चला जाता है। आरती करते तो ध्यान नोटों में है, हमें तो ध्यान हरि के लक्ष्मी के चरणों में ध्यान नहीं नारायण के चरणों में लगाना है। लक्ष्मी स्वतः ही कृपा करेंगे, वो नारायणी के साथ रहती है। पाप कमाकर धन को जोड़ा, मैं कहा अभी मां जाओ, बुरा पाप करके जो धन आया उसमें अहम आ गया, सात्विक नहीं है अहंकार आ गया। मैं का अभिमान न छोड़ा, मन को एक बार नहीं धोया तन का फिर क्या धोना। मन को नहीं धोया तन धो लिया तो क्या लाभ उसका। मन को धोना बड़ा जरूरी है। मैं आपसे बड़ी अच्छी बातें कर रहा हूँ, आपको अच्छी लग रही। अगर मेरे मन में गंदगी है तो पहले मुझे गंदगी साफ करनी चाहिए। गंदगी साफ होगी भाई नारद जी जैसे भक्तों की कृपा से, भक्ति करने से। नारद जी ने प्रहलाद जी को ध्रुव जी को अभी रत्नाकर को कईयों को कई लिस्ट ही नहीं है, दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र तपस्या करने गए। देव ऋषि जी महाराज नारायण नारायण करते उनको कहते बच्चों कहाँ जा रहे हो, कहते हम तपस्या करने जा रहे हैं। किस लिए, अच्छे गृहस्थी बन गए। कहते क्या रखा है गृहस्थ में, भगवत प्राप्ति करो। नारद जी की वाणी में बड़ा बल है, वो महाभागवत वैष्णव है, भगवान के भक्त हैं।
भगवान ने गीता में कहा है देव ऋषियों में मैं नारद हूं। उन्होंने कहा कि भगवत प्राप्ति करो, अच्छा माना जैसे आप किया गया, सबको मंत्र दीक्षा दी, 10,000 के 10,000 भक्त बन गए, धाम को चले गए। फिर दक्ष ने 3,000 पुत्र उत्पन्न किए, उनको जब भेजा यही जाओ तपस्या करो, उनको भी नारी जी ने उनका भी कल्याण किया, वो धाम में भेज दिया। ये शिक्षा दे रहे नारद जी की कि गृहस्थाश्रम में कुछ नहीं रखा, ये मोह माया है, मोह माया हमें फंस कर बंदे करता है जग में उल्टे धंधे, उल्टे सीधे तो काम कर रहा है मोह माया फंस करके, इसकी जरूरत ही नहीं है, केवल आवश्यकता है भक्ति की, आवश्यकता है कृष्ण भजन की और धाम में जाने की। नारद जी महाराज खेल विधि का बड़ा अनोखा, मानुष बना खिलौना, खूंटी नल का हार निकल गई, हरिश्चंद्र की प्रभुता भी गई। खूंटी मतलब खूंटी जो होती है उस पर रत्नों का हार टंगा था, गायब हो गया, वहां से खूंटी खा गई। ऐसे हरिश्चंद्र जी बेचारे महाभागवत वैष्णव, उनकी प्रभुता चली गई। विश्वामित्र जी ने बड़ी परीक्षा ली उनकी, आकर हरिश्चंद्र जी महाराज पास हो गए। नारद जी ही हरिश्चंद्र जी का गुणगान कर रहे थे, विश्वामित्र जी कहते हैं ये मनुष्य का भी ऐसा हो सकता है। परीक्षा ली, महाराज हरिश्चंद्र पास हो गए। धन्य है महाराज हरिश्चंद्र, धन्य धन्य है उनकी पत्नी तारामती और धन्य है पुत्र रोहित, तीनों महान थे। हरिश्चंद्र की प्रभुता मिट गई, खेल विधि का बड़ा अनोखा, मानुष बना खिलौना, हम विधि के हाथ में खिलौने बने हैं, बस भक्ति करो भाई, निष्काम भक्ति करो भगवान की। तो जब नारद जी नारायण नारायण कहते जा रहे थे, आवाज आई, ठहरो, तुम्हारे पास जो कुछ है सब नीचे रख दो। नारद जी तो जानते थे, उनको संकेत मिला था डाकू है, उन्होंने अपनी बीना कमंडली जो भी था नीचे रख दिया। जब नीचे सब कुछ रख दिया तो देखो तो बड़ा अच्छा गा रहे थे, मैं तेरे को मारूंगा नहीं, बता तेरे पास और क्या है। कहते भाई जो है मैंने रख दिया, तेरे पास रख दिया। नारद जी ने पूछा, भाई तुम ये जो पाप कर रहे हो, तेरे को पता है इसके बदले में तुम्हें घोर नरक में जाना पड़ेगा, ये तू पाप किसके लिए कर रहे हो? कहते परिवार के पालन के लिए, कि तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। कहते परिवार वाले भी जाएंगे, वो क्यों जाएंगे, तू कर रहा है तू जाएगा। कहते वो भी तो खाते हैं सब, उन्हीं के लिए तो मैं करता हूं। अच्छा पूछ के आओ उनको, क्या वो साथ देंगे तेरा? अपना रत्नाकर जो है गया घर को, बाप को पूछा, माँ को पूछा, पहले माँ ये जो मैं पाप कर्म करके लाता हूँ उसके बदले मुझे नरक में जाना पड़ेगा, आप चलेंगे मेरे साथ में? माँ कहती है, बेटा जब तुम छोटे थे हम माता पिता तेरा पालन पोषण करके बड़ा किया, और अभी हम वृद्ध हो गए, तेरा काम है हमारी सेवा करना, हम कहाँ कहते हैं तेरे को कि तू डाके मार के लोगों को मार के धन ला, अच्छी तरह से लिया, मैं क्यों नरक में जाऊंगी बेटा? पिता ने भी यही जवाब दिया। पत्नी को पूछा कर, जब पत्नी को पूछा तो पत्नी क्या कहती है? पत्नी कहती है विवाह के समय मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था, मुझे आपको सौंपा था, अभी आपका काम है मेरा पालन करना, मैं नरक में क्यों जाऊंगी?
ये आप जितना धन कमा के लाइए, अभी आपका काम है हमारा पालन करना। सब ने जवाब दे दिया। वाल्मीकि जी अपना, वाल्मीकि जो नाम बाद में पड़ा, रत्नाकर जी बड़े दुखी हुए, हताश हो गए। कहते वो कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो झट चरणों में गिर गए। जब सत्संग, इसलिए कहा है संत समागम हरि कथा, संत समागम तुलसी दुर्लभ लो, बोलो सुतदारा और लक्ष्मी, सुतदारा पापी के भी हो, संत जी मिले, उनके संग से परम संत नारद जी महाराज मिले रत्नाकर को। जब सबने मना किया कि चरणों में, कहते महाराज मैंने तो बड़ा पाप किया है, मेरा क्या होगा। कहते पापों का प्रायश्चित भाई भगवान राम का नाम है, तुम राम राम जप, राम का नाम जप। कहते नाम मेरे मुंह से नहीं निकलता। कहते क्या निकलता है तेरे मुंह से। मैंने मारने का काम किया, मेरे मुंह से मरा मरा निकलता है। चल मरा मरा ही कह, तुम तीन बार मरा कहने से राम हो जाता है। मरा 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 मरा, तीन बार बोलो राम हो जाएगा। संतों के पास युक्ति होती है। बीच में एक छोटी सी कथा आती है। एक ब्राह्मण था, उसके बहुत सारे बेटे थे, सारे बेटे उसके भक्त थे, और उसका एक बेटा नास्तिक था। उसके लिए ब्राह्मण बड़ा दुखी था। ये बात मैं इसलिए सुना रहा हूं, संतों के पास युक्ति होती है, युक्ति से मुक्ति। तो उसने संतों को कहा, महाराज बड़ा दुखी हूं, मेरा एक बेटा भक्त भजन नहीं करता, नास्तिक है वो। तो वो कहने, अच्छा एक दिन हमको अपने घर बुलाना, हम बाजे गाजे के साथ आएंगे, और किसी तरीके से उसको घर में रखना। उस ब्राह्मण ने उसकी पत्नी को, अपने बेटे की अपनी पुत्र वधु को बोला कि तुम आज उसको बाहर नहीं जाने देना, कहीं घर में रखना। वो घर में रहा, बाजे गाजे के साथ संत आ गए। देखो संत कैसे होते हैं, बोलो साधु संतों की, बोलो संत महात्माओं की। उसने क्या किया, नास्तिक पुत्र ने दरवाजा बंद कर दिया, अंदर से संकर लगा दी। खूब भजन कीर्तन होता रहा बाहर। भजन कीर्तन समाप्त हुआ और संत मंडली जो आज चली गई, वो जो महंत थे वो बैठे रहे। उसने, नास्तिक ने सोचा कि अभी तो सब चले गए हैं, अभी बाहर निकला। महात्मा बड़े तगड़े थे, पकड़ लिया उसको, पकड़ कर दबोचा उसको, नीचे दबा दिया। ये तो बोल राम राम, वो नहीं बोले, उन्हें छोड़ा नहीं। कहते मैं तब तक छोड़ूंगा नहीं तेरे को, राम राम बोल। अगर उसको गुस्सा आ गया, गुस्से में भूल गया कि मुझे नहीं बोलना है, क्यों बोलूं राम राम, उन्होंने छोड़ दिया। कहते तू बोल दिया राम राम। कहते देख, संत कहते हैं, महंत कहते हैं, जब तू मरेगा ना, यमराज के पास जाएगा, यमराज को पूछना गलती से एक बार राम राम बोलने से क्या लाभ होता है। आखिर मरा, यमराज के पास पहुंचा, यमराज के पास पहुंचा तो यमराज को पूछा, गलती से अगर एक बार किसी के मुंह से राम नाम निकले तो क्या उसका लाभ होता है। यमराज कहते ये मैं नहीं बता सकता। कहते फिर, कहते इंद्र जी के पास चलो, देवताओं के राजा इंद्र। तो वो कहने लगा कि मैं ऐसे नहीं, मुझे पालकी में ले चलो। पालकी का प्रबंध किया, यमराज कहता आप भी पालकी में लगो। इतना दुष्ट था वो, मेरे ख्याल में अरखावगंज का था, आप भी पालकी में लगो।
यमराज भी लग गए। इंद्र के पास पहुँचे, पूछा, कहते भाई राम नाम की महिमा मैं नहीं बता सकता, ये तो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। इंद्र को बोला तुम भी पालकी में लगो। वो राक्षस इंद्र को पालकी में लगाया, पहुँच गए कहाँ पर, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में। पूछा, ब्रह्मा जी महाराज एक बार गलती से किसी के मुंह से राम निकले तो उसका क्या फलादेश है। ब्रह्मा जी कहते ये मैं नहीं बता सकता, शंकर भगवान के पास चलो। और राक्षस कहता है ब्रह्मा जी आप भी पालकी में लगो, मुझे उठा के ले चलो। तीन जने लग गए, इंद्र, यमराज और ब्रह्मा जी। शंकर भगवान के पास आए, शंकर जी ने कहा इसकी महिमा मैं नहीं बता सकता, राम नाम की महिमा इतनी अगाध है। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम, जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरणन से निकसी गंगा, शंकर जटा समाई, शंकर जटा शंकरी नाम प्रयोग है, त्रिभुवन तारण आई, त्रिभुवन तारण आई, भज मन राम चरण सुख, भज मन राम चरण सुखदाई। तो प्रिय बंधुओं क्या हुआ, अभी ब्रह्मा जी शिव जी के पास पहुंचे, शिव जी ने कहा भाई राम नाम के महिमा का गुणगान मैं नहीं कर सकता, फिर चलो वैकुंठ में चलो। वैकुंठ में पहुंचे भगवान के पास, भगवान के पास जा पहुंचे तो राम नाम की महिमा प्रभु, उन शिव जी को पालकी में लगा लिया दुष्ट ने। अभी वो कहते हैं भगवान विष्णु कहते हैं इसको मेरी गोद में बैठा दो, बस वैकुंठ पहुंच गया वो। ये नाम की महिमा और युक्ति संतों के पास होती है, इसलिए इस समय के सबसे बड़े संत जो हैं वह प्रभुपाद हैं, ये याद रखो। सबसे बड़े संत ये हैं, इनने सारी दुनिया में नाम का प्रचार किया। बस मैं रोज कहता हूं ना, पूरी दुनिया में हरि नाम का प्रचार करने वाले, हरि नाम मतलब भगवान के नाम, उसमें नारायण, कृष्ण, राम, गोविंद, हरि, मुकुंद, विष्णु के सहस्र नाम है, हजार नाम है, गोपाल के हजार नाम है, गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, ये सब हरि नाम है, भगवान के नाम है। तो ये है नाम की महिमा। तो नारद जी जो हैं उनके चरणों में रत्नाकर डूब अब आके गिर गया, तो महाराज मुझे बचाओ, मैंने बड़ा पाप किया है। ये सत्संग का फल है, संतों के संग का फल है। तो तब नारद जी कहते हैं भाई तूने पाप किए हैं उनका प्रायश्चित, कहते महाराज राम ये नाम मैं बोल नहीं सकता, राम राम बोलने के लिए कहा नारद जी ने, ये नाम मेरे मुंह से नहीं निकलता, तुम्हारा हमारा ही क्या है, इसलिए कहा है उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना,
उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। बोला नहीं निकलता तो फिर क्या निकलता, मरा निकलता, मरा मरा ही बोल, मरा मरा बोलने से राम राम होता गया। एक जगह बैठ के रत्नाकर जी नाम जपने लगे नारद जी की कृपा से। रत्नाकर जी जब नाम जपने लगे तो क्या हुआ, समय बीत गया। एक दिन नारद जी फिर उसी रास्ते से गुजरे, चलो भाई अपने भक्त की खबर लें। नारद जी, गुरु वही है जो अपने शिष्य का ध्यान रखता है, और गुरु का काम बड़ा कठिन कठिन काम है, ये आसान मत समझो। अब जैसे वो दुष्ट की जिसकी हम बात करते हैं, बड़ा सिंहासन ढूंढता है बैठने के लिए वो, अभी तो शक्ल तो देखा अपनी, तो क्या कर्म किए हैं तूने, बड़े सिंहासन पे बैठना, उसके सोफे पे बैठना, नीचे बैठ, विनम्रता ला अपने में, कुछ अहंकार तेरे में भरा हुआ है। कहता तो है थोड़ी देर के लिए ज्ञान होता है, मैं गोबर उठाऊंगा ये करूँगा, फिर वैसा वैसा ही हो जाता है। सच्चे गुरु पता लेते हैं। और गुरु महाराज ने ये कहा है अंग्रेजी में, अवर्स जॉब इज ए थैंकलेस जॉब। गुरु का जो काम है इसका कोई शुक्रिया अदा नहीं करेगा, और गुरु को चाहिए भी नहीं, गुरु को दूसरों का भला चाहिए। और याद रखो, कर भला हो भला अंत भले का भला, कर भला हो भला अंत, कर बुरा हो बुरा अंत बुरे का बुरा, कर बुरा हो बुरा अंत बुरे का। अगर भला कर गया, और इससे कोई भला काम नहीं है यज्ञ में, याद रखो। किसी को नर्क से निकाल करके वैकुंठ में स्थापित करना, मतलब जो नर्क तो संसारी काम नर्क है, भगवान का भजन वैकुंठ है, ऐसा करना इससे बड़ा कोई भलाई का काम नहीं है। तो भक्त चाहते भी नहीं कि लोग उसका धन्यवाद करें, प्रभुपाद जी भी नहीं चाहते थे, हमें भी नहीं चाहना चाहिए कोई धन्यवाद करे। हमें बीमारी है ना, हाँ भाई हमारा प्रवचन कैसे लगा, कुछ धन्यवाद अच्छा लगा, हाँ कुछ मेरा प्रवचन बहुत अच्छा था, नहीं ये भी एक इंद्रियों का तर्पण है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, ये भी ठीक नहीं। नारद जी आए तो देखा जहाँ बढ़ाया था वहां मिट्टी का ढेर है, मट्टी के ढेर को नारद जी ने जब हटाया, अंदर से वाल्मीकि जी निकला है, रत्नाकर जी निकला है, शरीर मट्टी हो गया उनका, नारद जी की कृपा से वो नाम जपते रहे। वाल्मीकि कहते हैं दीमक को, संस्कृत में वाल्मीकि दीमक को कहते हैं। बैठे हैं नारद ने गले लगा लिया, आज के बाद तुम्हारा नाम होगा वाल्मीकि ऋषि। ऋषि बन गए, एक डाकू से ऋषि बन गए, अरे कोई भी बन सकता है, भक्त बनो भगवान के, कैसे भी तुम थे और नाम के प्रताप से सब कुछ ठीक हो सकता है। कहाँ है ना, नाम के प्रताप से अजा मिल तर गया, गणिका भी तर गई सुदामा भी तर गया, करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है, करके राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है,
कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है जी, यही करामात है। धन्य ने नाम लिया मुक्ति उसकी हो गई। धन्य ने नाम लिया मुक्ति उसकी हो गई। जीवन की नैया पार उसकी हाँ हो गई। जीवन की नैया पार उसकी हाँ हो गई। एक शुद्ध भाव से हुई ऐसी बात है। एक शुद्ध भाव से हुई ऐसी बात है। यही करामात है, यही करामात है, यही करामात है जी, यही करामात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। कृष्ण नाम लेने से तेरा राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार। यही करामात है जी, यही करामात है, यही करामात है जी, यही करामात है। कुछ उदाहरण दिए हैं, नाम के प्रताप से अजा मिल कर गया। नाम के प्रताप से गणिका भी तर गई, रत्नाकर भी तर गया। गणिका भी तर गई, रत्नाकर भी तर गया। करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है। करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है। यही करामात है, यही करामात है, यही करामात है जी, यही करामात है। अगर हम भगवान का नाम लेते तो कुछ कल्याण होता? होता क्या है? दुनिया के झंझटों में आए तू क्यों फंस गया। दुनिया के झंझटों में आए तू क्यों फंस गया। दुनिया के झंझटों में आए तू क्यों फंस गया। दुनिया के झंझटों में आए तू क्यों फंस गया। इज्जत भी लुट गई रुतबा भी छिन गया। इज्जत भी लुट गई रुतबा भी छिन गया। आओ शरण कृष्ण की देखो बाजी मात है। आओ शरण कृष्ण की देखो बाजी मात है। आओ शरण राम की देखो बाजी मात है। आओ शरण राम की देखो बाजी मात है। यही करामात है जी, यही करामात है, यही करामात है जी, यही करामात है, यही करामात है, यही करामात है, यही करामात है जी, यही कहा है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनिया, आधी से पुनी, तुलसी संगत साधु की, तुलसी कटे कोटि अपराध, कटे कोटि। प्रिय बंधु, वाल्मीकि वो हुए नारद जी की कृपा से जिन्होंने राम अवतार से पहले ही सारी रामायण लिखी थी। 100 करोड़ बनना है ना, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। इतने महान वैष्णव हुए वो, पहले क्या जीवन था उनका। इसलिए ये घटनाएं इसलिए यहाँ पर हमारे आचार्य ने बताई हैं ताकि हम ये समझें कि अगर हम कितने भी बुरे हैं, मैं भी अच्छा बन सकता हूँ अगर मैं भगवान की भक्ति को, भगवान के नाम को स्वीकार कर लूँ। तो एक और कथा आपको सुनाते हैं इसी कलयुग की, थोड़े समय की बात है।
एक केवट नाम का व्यक्ति था, केवट था वो, केवट जाति का, राम जी का भक्त था बड़ा। ये राम जी का बड़ा भक्त था तो जो कोई बात हो कहता रघुनाथ जी जाने, राम जी जाने। मंदिर में सेवा करता था, रहता था राम जी के मंदिर में। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो उसकी लड़की जवान हो गई, उसके बेटे कहने लगे पिताजी बहन का विवाह करना है, किसी सेठ से पैसे उधार ले लो, बाद में काम करके चुका देंगे। एक सेठ के पास गए, ये केवट गया, कहते सेठ जी पैसे दो उधार चुका दूंगा। उसने जो है कहता अच्छा ब्याज देना, उसको लिखाया, लिख लिया। सेठ ने क्या देखा कि बड़ा सीधा साधा आदमी है, कहते बाहर से पानी लिया, पानी लेने गया, पीछे से जो असली लिखा था उसको गौण कर दिया और अपनी मर्जी से नोट बना लिया, झूठा नोट बना लिया और झूठा नोट लिखा लिया, उसे दस्तखत करवा लिए। आकर हुआ क्या, वो पैसे जितने देने थे वो देने गया, कहते नहीं तेरी नाम तो बड़े पैसे, ज़्यादा पैसे हैं। कहते नहीं। आकर हुआ क्या कि सेठ ने केस कर दिया मुकदमे में जज के पास। ये कोई 30 साल की पुरानी बात होगी। जज के पास केस कर दिया तो जज ने उसको पूछा भाई कोई गवाही है, ये तुम कहता कि इतने पैसे, ये सेठ कहता इतने पैसे, गलत नोट के हिसाब से ज़्यादा पैसे लिख लिए उसने, दस्तखत करवा लिए उसने। तो वो केवट बेचारा कहे रघुनाथ जी जाने। अच्छा रघुनाथ जी जाने, तो जज ने कहा सम्मन निकालो रघुनाथ जी के नाम से, भगवान के नाम से। सम्मन निकल के गांव, जिस गांव में मंदिर था रघुनाथ जी का, वहाँ पर भाई वो आगे भाई ये सम्मन है रघुनाथ जी के नाम के। पुजारी के पास पहुँचे के कहते रघुनाथ जी तो भगवान है। पुजारी ने अच्छा ले लिए, तो तारीख पड़ गई, तारीख पड़ गई तो उस दिन पुजारी ने भगवान को अच्छे कपड़े पहनाए राम जी को, कहते प्रभु आज आपने गवाही देने जाना है, भगवान को अच्छे कपड़े पहना दिए। हुआ क्या, उधर आवाज पड़ी रघुनाथ कोई है यहां पर, वो रघुनाथ है। तो क्या हुआ, आवाज पड़ी कोई रघुनाथ है, देखो भगवान एक भेष बदल के वहां आगे जज के पास आए। जज के पास जब आए तो जज को भगवान कहते हैं, भेष बदला हुआ भगवान ने। कहते हैं जज पूछता कि आपने, आप इसकी गवाही देने आए? कहता हाँ। कहते असली प्रनोट जो है इसकी अलमारी में पड़ा हुआ है और वो अभी मंगवाया जा सकता है, ये जो झूठा इसने लिखा है सेठ ने। सेठ वहीं था, आदमी गए जज के और असली प्रनोट जो है वो भी रखा था उसने, उसको ले आएगी, उसमें कम पैसे थे। तो आखिर उस सेठ को जेल हो गई और उसको छोड़ दिया गया, केवट को छोड़ दिया गया। तो क्या हुआ, जज सोचने लगा ये रघुनाथ नाम का व्यक्ति कैसे जानता था सब कुछ। जज ने उस केवट को बुलाया, भाई ये रघुनाथ कौन है? कहते उसी गांव में रहते, कौन है ये? भगवान। जज चकित रह गया, भगवान थे वो, वाकई कैसे, नहीं तो किसको पता होता है उस अलमारी में उसने खाने में वो असली प्रनोट रखा है, नकली जो है वो इसको दे दिया झूठा लगवा कर, और असली जो है वो रखा हुआ है जिसमें असली पैसे लिखे थे।
जज ने उसी में कचहरी में क्या किया, रिजाइन दे दिया और वृंदावन में आ गया, साधु बन गया वो जज। लोग कहते थे कौन ये जज साहब हैं, वो मंदिर में नहीं जाते थे। क्यों? वो कहें भगवान मेरे सामने खड़े रहे और मैं बैठा रहा कुर्सी पर। पता लगा भगवान रघुनाथ साक्षात भगवान। जज ने इंक्वायरी की ना, भाई कैसे तेरे गवाह को पता है वहाँ वहाँ पर नोट असली रखा है, ये नकली पर नोट है। छोड़ के बस मंदिर में जाते, क्या मैं बड़ा अपराधी, भगवान आए मैं बैठा रहा कुर्सी पर और भगवान खड़े रहे। जज भक्त बन गया। तो देखो अगर हृदय हमारा निर्मल होगा, हृदय हमारा शुद्ध होगा तो भगवान गवाही देने में ही आ जाते हैं। भगवान ने आकर गवाही दी उस केवट की, उसी दाता बस ये इधर राम जी जाने रघुनाथ जी जाने। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघवी राजा राम, रघुपति पतिता पावन सीताराम, पतिता पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, देखो रत्नाकर इतने बड़े डाकू का उद्धार नारी जी की कृपा से हुआ, राम नाम की। नारी जी ने नाम ही तो दिया उनको। नाम जब भक्त के माध्यम से आता है वही फलीभूत होता है। ऐसे हम जपेंगे या हम पर भगवान की कृपा नहीं है, हम किसी को भी नहीं जपा सकेंगे। मैंने भगवान की कृपा के बहुत बड़े उदाहरण अपने सद्गुरुदेव प्रभुपाद देखे, जिन्होंने मलिच्छ जवनों को भी नाम जपा दिया, वो भी नाम जपने लग। नाम की एक और महिमा, एक और दृष्टांत है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज काशी में भी विराजमान थे। नित्य सत्संग होता था 80 घाट पर। कथा सुनने के लिए गंगा पार से एक महानुभाव आते थे। नित्य प्रति कथा सुनकर सायंकाल को नाव से घर चले जाते थे। एक दिन कथा प्रसंगवश विलंब हो जाने से इन्हें पार जाने में नाव नहीं मिली तो ये बहुत घबराए। आकर गोस्वामी जी से निवेदन किए, उन्होंने कहा कि आज यही विराजमान रहो, आ यही विश्राम करो, प्रातःकाल चले जाना। परंतु वह घर जाने के लिए ही उतावले हो रहे थे। वह नहीं, मैंने घर जाना है। गोस्वामी जी ने पूछा तुम घर जाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? उसने कहा महाराज यहाँ रहूँगा तो घर की याद आएगी जो ठीक नहीं, और घर चला जाऊंगा तो यहाँ की याद आएगी वो ठीक है, यहाँ का स्मरण होगा वो ठीक है, इस लाभ के लिए जाने को उत्सुक हूँ। गोस्वामी जी उसके इस कथन से प्रभावित हुए। तुलसीदास जी ने तुलसी दल पर श्री राम नाम लिख के दे दिया, राम नाम लिख के उनको दे दिया और वह मुट्ठी में धरे उस महामंत्र को जल भी छल की तरह
जल पर भी थल की तरह जाने लगे, जैसे पृथ्वी पर चलता है तो जल पर चलने लगा वो व्यक्ति। जब वो लगभग गंगा पार कर चुका था, थोड़ी दूर ही किनारा था, उसने सोचा जरा देख तो लूं बाबा जी ने इसमें कौन सा मंत्र लिखा है। हाथ खोल के जब देखा तो राम नाम लिखा था। मन ही मन कहने लगा, यह तो मैं भी जानता हूं, राम नाम तो मैं भी जानता हूं। बस तुरंत ही गंगा मैया ने उसे एक गोता लगवा दिया। उसने बहुत राम नाम कहा परंतु डूबने से बच नहीं सका। तब घबरा कर कहा, हे तुलसीदास के राम नाम मुझे बचाइए। बस तुरंत ही लहरों का एक झोंका आया और इसे किनारे की रेत में लापटका। श्री राम नाम के प्रभाव से गंगा जी ने पार तो कर दिया परंतु दो चार डुबकी और पटक तो लगा ही दी, क्योंकि इसने महापुरुषों की निष्ठा से स्पर्धा की थी। देखो महापुरुष जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। महापुरुषों की कृपा से वो पार हो रहा था, सोचने लगा ये तो मैं भी जानता था, अभी तक नाम एक ही है। वो कहता मैं भी जानता था लेकिन फलीभूत नहीं, नाम तो एक है, फलीभूत महापुरुषों की कृपा से होता है, भक्तों की कृपा से होता है। एक और दृष्टांत राम नाम का, यमुना पार से एक गुजरी श्री वृंदावन में दही दूध बेचने आया करती थी। उसे नित्य प्रति नाव वाले की सिफारिश करनी पड़ती, पैसे अथवा दूध दही ही देना पड़ते। एक दिन उसने कथा से सुन लिया कि श्री कृष्ण नाम लेने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। उसने विचार किया कि तब क्या हम श्री कृष्ण का नाम लेकर यमुना पार नहीं हो सकते। बस विश्वास पूर्वक वह सायंकाल को जाते समय श्री यमुना जी को प्रणाम कर श्री कृष्ण नाम लेकर यमुना में जल में थल की तरह चलकर पार हो गई। अब तो मैं रोज इसी प्रकार से आती जाती। एक दिन उसने विचार किया कि पंडित जी ने बड़ा उपकार किया है, तो उनका एक दिन न्योता करना चाहिए। फिर उसने पंडित जी को निमंत्रण दे दिया। पंडित जी भी बड़े प्रसन्न मन से गुजरी के साथ साथ चल दिए। वह तो नित्य नियम से के अनुसार पूर्ववत जाने लगी, परंतु पंडित जी तो प्रथम नाम के लिए आग्रह किए, फिर गुजरी के बल देने पर वैसे ही चलने तो लगे, लेकिन निज के विश्वास बिना डूबने की नौबत आई तो चिल्लाने लगे। गुजरी बड़ी चकित हुई कि इन्हें के बताए मंत्र से तो मैं निर्भय हो गई हूँ और ये डूब रहे हैं, सो क्या बात है। फिर वह पंडित जी को अपने आधार से पार ले गई। प्रिय बंधुओं, पंडित जी कथा तो करते हैं, विश्वास नहीं है। गुजरी का विश्वास था, विश्वासा फलदायक का विश्वास से आदमी ही भवसागर से पार हो सकता है। और वो विश्वास हमारे अंदर निरंतर भक्ति करने से, वो अपनी शुद्धि करने से जागृत होंगे।
तो हमें भी विश्वास को जागृत करना है और इस भवरूपी सागर से पार करना है। पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया पार, पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाओ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राग विराजा राम, पतिता पावन सीता राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, रघुपति राग विराजा राम, पतिता पावन सीता राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ताड़क वन में ताड़का मारी, गौतम नारी अहल्या तारी, श्री राम जय राम जय जय राम, जब दशरथ घर प्रगटे राम, पतिता पावन सीता राम, जनकपुरी में धनुष को तोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा, कैसी सुंदर जोड़ी राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राज तिलक की हुई तैयारी, राज तिलक की हुई तैयारी, के कहने सब बात बिगाड़ी, तभी तो बन को चल दिए राम, पतिता पावन सीता राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
पंचवटी में कुटी बनाई, सुरपनखा की नाक उड़ाई, तब खरदूषण मारे राम, तभी खरदूषण पतिता पावन सीता राम, मेघनाथ ने शक्ति चलाई, लक्ष्मण जी को मूर्छा आई, जट संजीवनी लाए हनुमान, पतिता पावन सीताराम, मेघनाथ कुंभ करण कुमारा, रावण का भी शीश उतारा, भरत लाल ने चिता बनाई, हनुमान जी ने खबर सुनाई, वन से आ गए भगवान, पतिता पावन सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राग विराज राम, पतिता पावन सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो रामचंद्र भगवान की। तो आज पुरुषोत्तम मास की दूसरे दिन की कथा, दूसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को, राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूजी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान में पहुँचे। वहाँ पर भगवान के श्री चरणों से अलकनंदा नदी बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्मा ब्रह्म में लीन जितेंद्रिय निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार करके श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, ये देवादि देव, संसार के स्वामी दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप सत्य से ही उत्पन्न हो,
और साथ और सत्य योनि हो। आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त हैं, स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला लाभदायक कथा व्रत कुछ विचार कर मुझे बतलाइए, मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे, ये नारद, भगवान श्री कृष्ण आदि की पुण्य कथा को सुनो। ये तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले उसके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन स्वार्थ है। ये नारद जी, ऐसे भारी युक्त कथा भी तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश को श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास महात्म को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्रादि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम मास, ये पुरुषोत्तम कौन सा मास है और यह कैसे हुआ? ये कृपा निधे, यह सब आप मुझसे कहिए, इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए, कथा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें और दान क्या करें और जप पूजा तथा उपास आदि क्या साधन है, इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो यह सब बतलाइए। सूजी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहितकारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की, बोलो नारायण भगवान की, बोलो भक्त और भगवान की। तो ये दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई। इन्हीं शब्दों से यहाँ विराजमान सभी भक्तों का, माताओं का और बच्चों का धन्यवाद, और इंटरनेट में सुनने वालों का भी आभार। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।